दोनों एक बार फिर से आज बन रहे हैं चीले, जो कि मेरे कहने पे बन रहे हैं। जब भी बने चीले तुम्हारे कहने पे बने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इनके पास नाश्ते का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, अगर बोलो ना क्या खाओगे, चीले बना। तो सही है, शुरुआत हो रही है दिन की आज चीलों के साथ में। काशी वहाँ पे अपना खाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो बस दोस्तों दिखाते हैं आपको धीरे धीरे आगे आगे सब। दोस्तों हो चुका है दिन का टाइम और अभी मैं शंभू के साथ हूँ बालकनी में। अभी हम रील बना रहे थे एक इंस्टाग्राम के लिए और बाय। और ये जा रहे हैं काशी को लेने, तो यहाँ पे है शंभू खेलगा और तो मैं बनाऊंगी पापा और बेटी के लिए नींबू पानी और मेरा शंभू भी पिएगा, है ना शंभू। तो दोस्तों अभी मैं कल गई थी फिर से नर्सरी में प्लांट्स की, तो वहाँ से मैं ये पुदीने का प्लांट लाई हूँ और इसी में ना मम्मी ने जो मुझे दिया था वो भी लगा दिया मैंने। वो थोड़ा सा सूखने लग गया था तो मैंने कहा शायद नया प्लांट ला के साथ में लगा दूँगी तो खिलने लगेगा वो भी, तो ये मेरा लॉजिक है तो मैंने भी यहाँ पे लगा दिया। और बताती हूँ मैं कौन से नए प्लांट्स लाई हूँ, तो अभी मैं उसी का ही काम कर रही थी यहाँ पे। तो एक ये वाला लाई हूँ, एक ये वाला लाई हूँ और एक ये वाला लाई हूँ। अब दोस्तों इनके नाम तो वो पता नहीं साइंटिफिक टाइप के कुछ बताते हैं तो मुझे याद तो है नहीं, पर मैं क्या करती हूँ जब भी कोई प्लांट लाती हूँ ना तो मैं गूगल में सर्च मारती हूँ ये कौन सा प्लांट है, तो अभी मैं उसी की रिसर्च कर रही थी। तो अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों, और मुझे प्लांट्स इतने ज़्यादा पसंद है ना मैं क्या जी बताऊँ। ये देखिए ये मम्मी ने दिया था पूरा गुड़हल का प्लांट, तो ये मैंने कहीं भी नहीं लगाया। जो मम्मी ने दिया था ना जिसमें कट करके, मतलब जिस बॉटल में मम्मी ने मुझे दिया था ना, मैंने इसी में रखा है नीचे सदाबहार और ये ऊपर गुड़हल का प्लांट। तो इतना मस्त हो रहा है ये, कम से कम जब से ये मैं लेके आई हूँ ना इसमें 10 से 12 बार फूल आ चुका है और हर दिन 2 फूल खिलते हैं दोस्तों। जैसे कि ये देखो ये आज खिला हुआ था तो ये मुरझा गया, एक मैंने तोड़ के मंदिर में चढ़ा दिया है और ये बाकी देखो ये कल के लिए तैयार है। एक ये देखिए 2-2 फूल, कभी कभी क्या होता है ना 3 भी आ जाते हैं, 2-2 फूल तो हमेशा रेडी रहते हैं। ये देखो मेरे को लग रहा है कल 4 खिलेंगे, यहाँ पे भी है ये देखो। क्या जी बताओ, मतलब मैं सुबह ना कम से कम अगर काशी के स्कूल के लिए लेट ना हो रही हो ना तो मैं तो काफ़ी देर बैठ सकती हूँ, पर क्या होता है उसके स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, उठती मैं हूँ 6 बजे, फिर भी ऐसा लगता है जल्दी कर लूँ, नहा धो लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं काशी के लंच पे लग जाती हूँ टिफिन बनाने में। शंभू क्या कर रहा है, हैं मिट्टी खा रहे हो, मार खाओगे मेरे से, चलो अंदर चलो। मैंने अपना निकाल के रखा देखो यहाँ पे, क्या रखा चलो गेट खोलते चम्मू। वो वेट कर रही तो रोने लग गई। ओ परियों की रानी, ताली बजाना शुरू उसका, खुश हो जाती है जब दीदी आती है। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। इस गाने बनाई हमने रील टेन, इसलिए मेरे मुंह पे भी है और मैं ऐसे रहता हूं क्योंकि सीमा कांची लगती है। चुप रहो तुम, कांची लगती कांची लगती हो तो अच्छी तो लगती हो। ये कौन है, ये तेरे पापा लाया है, कौन है तेरे पापा का है ये बता, कैसे गया तेरा आज टेस्ट था ना दो? हाँ, कैसे गया सुनाया कि नहीं? मेरा बच्चा, इसका मतलब सुनाया तूने, गुड। मतलब 3-3.5 साल में काफी आवाज खुली थी, मतलब मस्त वर्ड था उसने तब बोला। वेरी गुड बेटा। तो काशी को सारी पोयम आती है, 4 इंग्लिश की 2 हिंदी की, तो सुना देती है। वो अलग बात है कि समझ नहीं आ रहा होगा बहुत, पर मुझे और इसके टीचर को अच्छे से समझ आ जाता है। है आपको भी आ रहा है? अच्छा। तो दोस्तों जैसे अभी काशी गा रही थी, मैंने पूछा था पोयम सुनाई तूने, तो अभी सुना भी दी उसने, तो देखो उसको पोयम सुनाने के 5 out of 5 मिले प्लस स्टार। तो जितने भी उसके ओरल टेस्ट मिले अभी तक 3rd था आज, तो तीनों में 5 out of 5 लाई है। चाहिए बाकी तो भैया घर पे कुछ नहीं करती, स्कूल में ही करती है जो करती है। सबको इधर आओ,
उसको भी जाना साथ में पैर हाथ धोने उसके, वो आई कार्ड लेके पहुंच गया शंभू की बात। इसको देखो, कह रही पापा मुझे वो पीना है मिंट मोजिटो, मैंने फ्रिज से निकाला बना के रखा था सीमा ने, अब देखो घुमा रही है उसको, बना हुआ है वो, हमको बस पीना है। चलिए बस दोस्तों यहाँ पे मिंट मोजिटो का आनंद लेते हैं, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। हाँ जी सीमा जी, तो आ गए हैं हम किचन में आपके पास पूछने के लिए। और क्या वैसे बोलो, देखो सीमा जी वैसे बोलता मैं मोटी बोलते हो तुम मुझे, सीमा जी तो कभी नहीं बोला तुमने। बेटा एग पुलाव बना रही हूँ, ये तुमने तीसरी बार पूछ लिया, जब से स्कूल का ये तब से पूछी जा रही है। ये डब्बा किसने दिया इसको, ये डब्बा कौन लेके आया? माँ कसम ये अभी कह रहे हैं मुझे कि कहाँ से आती है ना वो रौनक सी रहती है घर में, रौनक रहती है घर भी दर्द कर देती है आगे से ज्यादा। देखो अभी तक कितना साल का देखो पूरा, क्यों नहीं खाया तो क्या बन रहा भाई सीमा आज? एक पुलाव, चलो बढ़िया है, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा। टेंट हाउस, ये दोस्तों वो टेंट हाउस है जिसमें नन्नू और कासी ने बहुत मजे किए हैं, मतलब इतने मजे किए हैं उन्होंने, तो किए किए साथ में मैंने भी किए हैं इनके साथ में, इनको साथ में लेके इसके अंदर में ना एक एक घंटे तक लेटा रहता था जब ये छोटे छोटे थे। तो दो दो टेंट हाउस मिले थे हमको, तो एक यूज किया था, फिर अभी शंभू के बर्थडे में एक और मिल गया, दो मिले नहीं थे, एक हम लाए थे, एक नीरज लाया था, नीरज लेके आया, तो ये मेरे ख्याल से नीरज वाला है, नीरज वाला है, अभी हमने अपना वाला भी नहीं खोला, और एक और मिला है वो शंभू के बर्थडे में, वो भी रखा हुआ है। ओ फंस गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल गया। बनके हाजिर है अंडा पुलाव, और यहाँ पे रख दिया गया है। ओहो काशी को पता दही का इतना शौक चढ़ा हुआ है ना, वो खाना कम खाती दही बहुत ज्यादा खाती है। शंभू बाहर है, माँ बाहर है, शंभू खाओ, सीमा आजा तू भी आजा, आजा शंभू भैया बिल्कुल भी ना, कहाँ जा रहे हैं शंभू, आजा बाबू, ये कौन है, ये क्या है सीमा, बाहर राई है क्या, क्या है ये, राई है ना, सरसों, ठीक मैं आ गया। तो आज का मौसम भी जो है बहुत ज्यादा हसीन हो रखा है सही में, कल का मौसम सुहावना था लेकिन आज का मौसम बहुत ज्यादा हसीन है, इसलिए मैं आ गया हूँ लेके बैडमिंटन अपनी हसीना के साथ खेलने के लिए। क्या हुआ सीमा, कौन सा पेड़ कैसे, अरे अभी तूफान चला ना, एकदम लंबा है ना, घड़ंगा जैसा, घड़ंगा जैसा। अरे वाह क्या बात है, गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। तो ये है काशी की फ्रेंड पीहू, पीहू हेलो कर दो सबको, हेलो चलो, हाँ दोनों का सेक्शन अलग अलग है, काशी रेड में है तो पीहू वही ब्लू सेक्शन में है। कौन सी क्लास में हो आप दोनों, अभी नीचे से घूम फिर के आ गए हैं ऊपर, और ऊपर जस्ट लाइट भी आ गई, अच्छा हो गया, और आते ही जो है अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी, और आज है सैटरडे तो बन रहा है कुछ स्पेशल, नहीं सैटरडे नहीं है, फ्राइडे है, पर फीलिंग पूरी सैटरडे वाली है तो बस। और यहाँ पे जो है शंभू जो है अपने आम खा रहे हैं, शंभू क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। तो आजकल क्या है दोस्तों कि जब भी हम बाहर से खेल के आते हैं तो काफी पीती है बनाना शेक, हाँ फिनिश कर दिया उसको, हम कैसे फिनिश करवाते हैं इसके साथ लगाते हैं एक शर्त लगाते हैं कि अगर तूने पहले फिनिश कर दिया तो तेरे लिए ये मंगाएंगे या फिर ऐसा हो जाएगा। तो आज कह रही काशी की पिज्जा मंगाओ, तो मैंने कहा मैंने एक गिलास मैंने लिया, एक गिलास इसको दिया, पहले पी नहीं रही थी, मैंने कहा अगर काशी तू पहले पी लेगी तो फर्स्ट आएगी तो तेरे लिए पिज्जा आएगा, तो देख लो। इसने ये तीन बार में ऐसे करके, लास्ट टाइम तो उसका इतना रह गया था, उसने पूरी एक बार में दिया है, चल अच्छा है, चल तेरे पिज्जा आएगा, ठीक है डन। यार मम्मी देख रही, मम्मी ने जब पूरा पिया इसने, मम्मी ने ऐसे क्लैपिंग करी इसके लिए, हम तो रोज ही देखते हैं मम्मी इसको ऐसे, हाँ मम्मी को दिखाएगी, मम्मी फिनिश कर दिया।
तो काशी ने अभी अपना कंपटीशन जीता था पापा के साथ में, पहले बनाना शेक पी के उठा रही है अभी अपना पिज्जा, और शंभू उसके चारों तरफ घूम रही है, उधर से घूम के आई इधर से आ गई पूरा। आपके लिए है, आपके लिए है, आ जाओ आ जाओ। तो अभी हो गया है दोस्तों नाइट टाइम, खाना पीना खा लिया है और मैं जा रहा हूँ ऊपर सब लोग ज्वाइन करने के लिए। बच्चे लोग सभी ऊपर हैं, सीमा ऊपर है, सीमा बस अभी जस्ट ऊपर गई है मेरे से पहले, तो बस पहुँचता हूँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को भी। आ गया हूँ गेट पे, बोलो। अरे वाह, हवा मस्त चल रही है यार, कैसी मजे कर रहे हो? तकरीबन एक घंटे से ऊपर है, आधे घंटे से। इसको देखो शंभू को, शंभू। बस दोस्तों यहीं पे करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और जल्दी ही एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। कोशिश रहेगी कि डेली ब्लॉग लेकर आएं। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। बाय बाय, टेक।